है। यहां तक कि मुजफ्फरनगर का सवाल है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और बहुत निर्दोष लोगों की काफी जानें चली गई, इसका अफसोस है हमको, हमारी सरकार को, हमारे साथियों को, हमारी पार्टी को, सबका अफसोस है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, घटना हो गई। लेकिन हम कल कह सकते थे कि जाने चली गई, लेकिन किसी तरह उनके परिवारों को राहत दी जाए। वो राहत देने का हमारे सामने था, लेकिन सरकार के सामने, अपने सामने, वीरेंद्र के सबके सामने चर्चे करने, अब जाने चली गई हैं, उनकी परिवार दुखी न रहे, ये कोशिश करना पड़ेगा। ये फैसला किया तो हिंदुस्तान में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में करीब 500 लोगों की हत्या हुई, इसी तरह मुरादाबाद की हत्या 500 के आसपास से याद होगा आपको, मलयाना में यही हुआ, वेस्ट में यही हुआ। लेकिन कभी भी एक पीड़ित लोग, दुखी लोगों को कोई मदद नहीं की गई। पहली बार हम लोगों ने फैसला लिया कि जिनकी मौतें हुई उनके घर को एक एक सरकारी नौकरी नहीं मिली, और उसके अलावा उनके मकान बनाने के लिए, जहां बसने के लिए जाएंगे उनको मदद करेंगे, और मदद की। ऐसी मदद कभी हिंदुस्तान में कभी नहीं की। ये मोदी मोदी करते हैं, मोदी ने कितनी जाने ली थी, एक रुपया किसी को नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में एक रुपया भी कांग्रेस की सरकार नहीं दिया, मुरादाबाद, मलयाना, मेरठ में एक रुपया नहीं दिया किसी को। याद कीजिए, हम लोग इंसान हैं, हम लोग के दिल हैं कि किसी तरह किसी की मौत हुई है, अनावश्यक हो गई है, जो सोचा भी नहीं जाता था मौत हो गई है, तो उनको मौत जीवित नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए मदद की गई है। हम लोगों को पहली बार